अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह तबारकल्ला। वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और जो है जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, इस वक्त जो है मैं फैंसी ड्रेस में खड़ी हुई हूँ और जो है मैं इस वक्त आ जा रही हूँ शादी के अंदर। ये शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और या तो कभी शादियाँ आती नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं आती है, महीनों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, या तो आती हैं तो सारी एक साथ ही आती है। जैसे आज ही हमें जाना है एक बारात के इवेंट पर, और जिसका ये इवेंट है वो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरा छोटा भाई भी है, और जो है काफ़ी मेरी अच्छी उनसे बातचीत है, तो जो है वो मेरे भाई की, मेरे छोटे भाइयों की तरह भी है। और जो है इतना छोटा सा था, नन्ना मुन्ना सा, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। और जो है मैं आपको उसकी आज वेडिंग पे जाऊंगी और उसके लिए मैं जो हूँ तैयार हुई हूँ इस वक्त, और मैं आपको अपना पूरा ड्रेस लुक दिखाती हूँ। ये मेरा फुल ड्रेस लुक है। और अभी जो है मैं अपना मेकअप वगैरह डन करूँगी, बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है। और मैं आपको, अच्छा मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैंने अपने हेयर जो वॉश जो है घर में खुद किए थे और प्रोडक्ट में दिखाना भूल गई थी, तो आज जो है आप पीछे जो है झूले पे मैंने दुपट्टा दिया हुआ है। अजान जो है वो सो रहा है, इसीलिए जो ना उसको सो रहा है, तो फटाफट से मैं रेडी हो जाऊँगी और मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने हेयर के लिए। ये जो है शॉर्ट्स कॉफ का है ये कंडीशनर, ये जो है मैं हेयर वॉश के बाद ये यूज़ करती हूँ, ये शॉर्ट्स कॉफ का है। और जो शैम्पू है, शैम्पू भी मैं इसी का यूज़ करती हूँ, शॉर्ट्स कॉफ का। और जो है इसके अलावा जो है इसके बाद ये हेयर मास्क है, ये बहुत अच्छा मास्क होता है। ये जो बालों में अपनी कैरेटीन करवाए, रिबॉन्डिंग करवाएं, एक्सटेंसो करवाए, वो ये मास्क को ज़रूर यूज़ करें। इसके जो है ये जो है हेयर थेरेपी यूज़ करिए, जो है ये देख ही सकते फ्रॉम फाइन टू नॉर्मल डैमेज हेयर, ये सब डैमेज हेयर के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा मास्क है। मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और जो है, और ये सब कंडीशनर है। और शॉर्ट्स कॉफ कंपनी का ही मैं जो हूँ वो शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। और ये रही इस वक्त मैं, ये रहा मेरा फुल ड्रेस। और ये जो है इसके नीचे वेलवेट के पैनल लगे हुए हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं। और जो है नीचे ये ट्राउज़र है, और ये इसका है दुपट्टा। और यहाँ पे मैंने अजलान की चीज़ें जो है रेडी कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अजलान 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 साहब जो है ना मेरे, ये मेरा लड्डू सो रहा है, इसको तो सोने दो। और अभियान को तो जो है ना वो मैंने घर से भगा दिया अपने से पापा के साथ। हेलो मैडम, ये इनको तो मोबाइल दे के लगा दिया मैंने। चलो अभी मैं रेडी हो जाऊँ, सलाम करो। आप अपना फटाफट होलबंदी रखे हबीबा, इतना गला ख़राब करे ना। चले जी, अब जो है मैं वो फटाफट से जो है रेडी होती हूँ, ज्वेलरी निकालती, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। बम, मैं ऐसा जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मेकअप मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जो है वो अजलान उठ चुका था। मैं यहाँ से पहले जो है ना फ़ैन ऑफ कर लूँ। अजलान जो है वो इस वक्त बिल्कुल उठ चुका था, इसलिए मैंने जो है व्लॉग को बंद कर दिया था, कंटिन्यू नहीं कर सकी। उसको मैं दोबारा सुलाया है। और ये मैंने जो है नेक लाइन सेट पहना है, ये मेरी इयररिंग्स है, और ये मैंने जो है मेकअप मेरा डन हो चुका है। अब मैं करूँगी बच्चों को फटाफट से रेडी, क्योंकि अब जो है 8 बज चुके हैं और हमने फटाफट से निकलना है। और मैं बच्चों को रेडी करने के बाद आपसे मिलती हूँ जी। अभी हाँ, दिखाओ अपने कपड़े। सलाम करते। हाँ वालेकुम अस्सलाम। आपका गला बैठा हुआ है, गला ख़राब हुआ है, दिखाओ आप अपने पूरे कपड़े दिखाओ। आपको पता है सुबह जब स्कूल में गई थी ना, मुझे हल्का सा फीवर हो गया था। अच्छा ठीक है, दवाई पी ली ना, ठीक हो गई थी। अच्छा आप अपने कपड़े पूरे दिखाओ, वहाँ जाओ और लाइट में जाओ। हाँ हाँ लाइट में जाओ। और ये रहा हमारा गुड्डू, और ये रही मैं। जी बताओ। अच्छा अच्छा, और भी साफ भी साफ साफ किया। अच्छा ये तो बहुत पुरानी बात है। अपने सर पे क्या पहने, नीचे करो सर, अपना ताज ही पहना है अपने सर पे। पीछे हेयर स्टाइल दिखाओ अपना। मैं और मैं जो हूँ सब बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, और इसके बाद जो है हम आपसे जाके मिलते हैं लोकेशन पर। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। बच्चे गिरे मेरे झूले पर,
और अभियान को जो है ना मैं अपने साथ लेकर नहीं जा रही, और उसका रीज़न ये है उसको अपने साथ लेकर नहीं जाने का, वो बहुत तंग करता है और आज उसके पापा जो है हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए उसको जो है उसके पापा के हवाले किया हुआ है, क्योंकि वो बहुत तंग करता है, वो हाथ छुड़ा छुड़ा के भागता है, वो फिर हॉल वगैरह से ही बाहर निकल जाता है। फिर जाहिर सी बात है मेरे साथ अजलान भी है, तो मुझे उसको जो ख्याल रखना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो उसको मैं आज अपने साथ लेके नहीं जा रही, और इसीलिए जो है आज सिर्फ मैं अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ, और जो है बाकी मैं अब आपसे जाके डायरेक्ट मिलूँगी लोकेशन पर। सुबह मेरे उठने से पहले मैं मेरे रूम में बैठा हुआ था। चलो उसको लेटी रहने दो, कुछ छेड़ो मत, बिल्कुल नहीं छेड़ो उसको। हॉल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। कौन वो निया जी? वो तो बहुत, वही तो मेरे साथ है, तभी तो क्या बात है। हाँ माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है। दुल्हन कहाँ है? आमीन, सही बात है, प्यारी लग रही हो। हाँ बस सब क्या कहें, हाथों से छीन लेते हैं, मुंह से छीन लेते हैं, मुंह से छीन लेते हैं। ये कौन सा है? ये किसका? जैतून, जैतून का है ये। अच्छा ये लो हबीबा पियो। अच्छा फ्लेवर है ना, जैतून फ्लेवर पे है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देना। मुझे दे रही है, चलिए ये लो। असल में बच्चों को चाहिए, मुझे स्ट्रॉबेरी ला दे भाई, बच्चों के लिए चाहिए। अरे भैया भी चुप, दूल्हे की जो एंट्री दी जाएगी ना वो इस गाड़ी में दी जाएगी। और ये रही मैं, यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी बनाई है,
सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं तेरा मेरा है प्यार ज
जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया पागल या जोगी मुझको कहो तुम हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर सौ जन्म में चाहे हो जो भला अल्लाह ताला आपको हर खुशी अता फरमाए आमीन आमीन बेटी मुबारक के तलबगार आपके लिए खातों से तो हम होते दो स्कूल लाइन क्या तासुरात है आपके आप कुछ नोश फरमाएंगे बहुत ज़्यादा खुश हैं खुश हो फाइनली फाइनली टुगेदर बोलो कुछ बोलो शराब से गले रहे खुद के चलो तुम लोग बैठो बेटा रुक जाओ सामने थैंक यू कहाँ देख रहे हो कहाँ देख रहे हो आप कहाँ देख रहे हो मित्र चीज पहने आपने कहाँ ये आपने क्या पहने आपने शॉक्स पहने हैं शॉक्स दिखाओ उसके वाह तो पहले से शॉक्स पहने हमने आए आप शादी में आए हो शादी में आए आपको पता है शादी कहाँ होती है शादी कहाँ होती है हेलो गाइस चलो चलो हाय पापा है पापा है नाम है मेरा
यहाँ पर हो गई है रुखसती, और रुखसती हो चुकी है, दुल्हन चली अपने दुल्हा के संग, और बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ है, मज़ा आया है, खाना भी बहुत यमी था, बहुत यमी। और अब हम आपसे जाके मिलेंगे घर पर। और क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो? यहाँ पर जो है अब हम लोग आ चुके हैं, और अब दुल्हा दुल्हन की जो है एंट्री दी जा रही है इनके मोहल्ले के अंदर जहाँ इनका घर है, क्योंकि अहले मोहल्ला का भी तो पता नहीं ना कि उमेर की दुल्हन आ चुकी है बड़े धूमधाम तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैर वाफियत से दोनों मियाँ बीवी अपने घर को आए। अब देखो क्या चिरागा होता है। बच्चे जो है यहाँ सो चुके हैं, हेलो गाइस जो है वो तो गाड़ी में सो चुकी है। हबीबा थक गई आप, थक गई? चलो बस अभी हम घर पहुँचने ही वाले हैं। अब जो है यहाँ पर जो है सारे खड़े हो चुके हैं। पहले अनार है, अनार 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 आ गया अज़लान घर पर। हाँ जी आ गया, आ गए घर पर। बोलो सबको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? और सुनाएं क्या हो रहा है? ने खाना खाते में बहुत तंग किया, हमने तो सब कुछ खा लिया। अच्छा जी, क्या खाया बताओ? कहाँ गई आ गई आप? हेलो गाइस। चलो बा हेलो गाइस, बहुत टाइम होगा, टाइम क्या हो रहा है इस वक्त? इस वक्त बच हुए ढाई, और ढाई बजे हम घर पर आए हैं। और ये देखें जरा मोहम्मद अभियान, हेलो, आप नहीं गए थे ना हमारे साथ? अच्छा हुआ, वरना आपने वहाँ पे बहुत तंग करना था। ये रही मैं, और फुल जो है बस अब हम थक चुके हैं, तो मम्मी मेरे को पटा दे दे दो। अच्छा पटाते देती हूँ, माँ को पटा दे। चले जी, अब यहाँ पे जो है मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो काइंडली प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स कीजिएगा। और इसके अलावा जो है आशादी बहुत ज़बरदस्त हुई, बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा इवेंट था, और माशाल्लाह से उमेर साहब भी जो है दूल्हे साहब अब अपनी फैमिली उनकी बनने स्टार्ट हो गई है। बिन बाप का बच्चा था, बहुत छोटी सी उम्र में जो है उनके अब्बू का जो है वो इंतकाल हो गया था, और जो है काफ़ी उसने बच्चे ने जो है स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। चलो अल्लाह ताला उसको और उसकी बेगम को अपनी ज़िंदगी में अब जो है आने वाली ज़िंदगी में खुश और आबाद रखे। और उसके साथ मैं आपको मिलूँगी अब आपकी अपनी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और अल्लाह हाफ़िज़।